वेलकम, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस हम नए साल की ओर बढ़ रहे हैं और 2020 को बाय बाय कर रहे हैं। तो मैं संजीव अरोड़ा और मैं डॉक्टर द्रव्या जैन, हम आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि नए साल में हम आपके लिए बहुत सारे और भी सरप्राइजेस लेकर आएंगे और समय समय पे आपको बोनस भी लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आपका 2020 कैसा रहा कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और 2021 के लिए आप सबने क्या क्या सोचा है, क्या आपका विजन है और क्या आपके रेजोल्यूशंस हैं, अपने सारे व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर 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 शेयर कीजिएगा। 2020 दोस्तों बहुत ज्यादा एडवर्स ईयर रहा, बहुत डिफिकल्ट ईयर रहा बहुत लोगों के लिए। बिजनेसेस बंद हो गए, इंडस्ट्रीज बंद हो गई और लोगों की जॉब्स चली गई। लेकिन हर एडवर्सिटी में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना, दिस इज आवर विजन एट FII। इसी के चलते मैं संजीव जी आपसे पूछना चाहूंगी, आपका 2020 कैसा रहा? 2020 मेरा बहुत बढ़िया भी रहा और हाँ, चैलेंजेस आए कुछ, लेकिन मैं अभी चैलेंजेस की बात नहीं करूंगा क्योंकि आज हम नए साल के लिए एक हम अलग माहौल में मिले हैं। तो मैं तो आज जो जो अच्छा बीता मैं उसकी बात करूंगा। तो सबसे पहला अच्छा प्रोग्राम तो FII ने मुझे दिया कि हमने इस कोरोना काल में टॉक विद एन एक्सपर्ट की शुरुआत की। ये एक अच्छा रहा जिसमें आपको और मुझको, हम दोनों को मौका मिला, ये एक अच्छा काम हुआ। उसके अलावा हमने 4 इंटरनेशनल लेवल पे वेबिनार किए जो कि करीबन 35 कंट्रीज में हमारे ऑडियंसेस थे, वो भी FII के प्लेटफॉर्म पर। जी जी। अब बैक डोर की बात करूं तो मैंने खाना बनाना सीख लिया। क्या बात है, ये तो लाइफ स्किल है और आई थिंक ये बेस्ट टाइम था ये सीखने का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने क्या किया इस साल में? जितना मुश्किल था, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा प्रिविलेज मिला डायरेक्टली मेरी मुझे सर्व करने का, एक पैंडेमिक में, इतनी बड़ी क्राइसिस में, एज अ फ्रंटलाइन वर्कर आई गॉट द प्रिविलेज टू सर्व my society, our society, and लोगों की सर्विस करने का, लोगों की हेल्थ बनी रहे उस पर मुझे काम करने का मौका मिला। तो ये मेरे लिए इस साल का बहुत बड़ा हाईलाइट था पर्सनली एंड प्रोफेशनली। तो हाईलाइट्स की बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के लिए, FII के लिए इस साल काफी हाईलाइट्स रहे। हमारे काफी माइलस्टोन्स अचीव हुए, हम बहुत लोगों के नेटवर्किंग की, बहुत लोगों के साथ नेटवर्किंग की हमने और बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज से हमें गाइडेंस और ब्लेसिंग्स मिले इस साल। हमारे 4 इंटरनेशनल वेबिनार्स रहे जिसमें हमने UK, न्यूजीलैंड जैसे बड़े बड़े देशों में हमारे फुटप्रिंट को स्ट्रॉन्ग किया। वहाँ के पॉलिटिशियंस और वहाँ के डिग्निटरीज से हम संपर्क में आए और उनसे डायरेक्टली सरकार टू सरकार हमने बातचीत की। वहाँ के
सिस्टम में, वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में चर्चा की, बहुत चर्चाएं हुई वहाँ की इकोनॉमीज के बारे में, और इंडिया और यूके, इंडिया और न्यूजीलैंड के स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप के बिल्डिंग के बारे में हमने बहुत चर्चा की। तो ये काफी बड़े हमारे माइलस्टोन्स रहे। हमने एक बहुत बड़ा वेबिनार किया वेस्ट बंगाल के इकोनॉमी के ऊपर, जिसमें हमारे साथ माननीय वीएल संतोष जी जुड़े थे। एंड टुडे वी हैव टू गिव मेनी थिंग्स टू द वर्ल्ड, एंड दिस टाइम इट इज नॉट ओनली टू द कंट्री, नॉट ओनली टू स्टेट, वी हैव टू गिव मेनी थिंग्स टू द वर्ल्ड आल्सो। इट द कैपेसिटी इज देयर, अ चेंज हैज टू हैपन, एंड वी आर हियर टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज। We will give our everything to that thing, and we will work with you also shoulder to shoulder to create a blueprint which can be implemented later on, and we can be used by the central government immediately also. I assure you, in the presence of all our 5 MPs who are there here, and Dr. Anirban Ganguly, who invited me to this meeting, that we will work with you so that West Bengal gets its pride of place in the global arena as it was around 50 years back. Thank you. हमें ये बहुत प्रिविलेज मिला कि इस साल हमने 3 बुक लॉन्च किए FII के प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिनमें से बहुत बड़े डिग्निटरी मेजर जनरल जीडी बख्शी जी और माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे साथ जुड़े। बख्शी जी की बुक थी सरस्वती सिविलाइजेशन के ऊपर, जिसका लॉन्चिंग यहीं से हुआ। So with that, I want to thank Deepak Jain Saab for and the FII for this excellent hosting this today's book launch. The same book launch was done in the English version, and I had the privilege of having Dr. Subramaniam Swami unveil that book. Today, the Hindi version has been released. The Kannada version is almost done and was to be released today. But there was some last minute things review to be done, so it will be out shortly in a matter of days. I congratulate the Federation of Indian Industries for spending its valuable time while they could have been making money. They are doing this. This is a great national service, and I welcome this approach of theirs. Thank you very much. तो एक तरीके से FII ने 2020 में ना सिर्फ बिजनेस और इंडस्ट्रीज के टॉपिक को टच किया, इकोनॉमी के टॉपिक को टच किया, बल्कि हमने जैन समाज और एजुकेशन, कंट्री में एग्जिस्टिंग लॉज, नए लॉज जो इंडक्ट हुए, उनके सब के बारे में हमने काफी डिटेल में चर्चा की, और डायरेक्टली हमने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की। तो इसमें हमने एक और आपके उसमें ऐड ऑन करूंगा, मेजर जनरल जीडी बख्शी जी का एक गाना है, उन्होंने हमें बोला बुक लॉन्च के वक्त प्ले करना है, जो उन्होंने अपने गुरु साहिबान के ऊपर लिखा था। हमने मतलब FII की तरफ से हमने उसको वीडियो में कन्वर्ट किया, जो कि उनको बहुत ही पसंद आया, बहुत ही उन्होंने अप्रिशिएट किया, और हम सबको बहुत खुशी हुई जब उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स दी उस गाने को देखने के बाद। जी जी, हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। बिल्कुल। या देवी आनंद दे, या देवी आनंद दे, आनंद ही आनंद दे, आनंद दे, आनंद दे, आनंद दे, आनंद दे, या देवी आनंद दे, आनंद ही आनंद
दे दे हमें सच्चिदानंद दे हमें नित्यानंद दे हमें मुक्तानंद दे हमें प्रणवानंद दे आनंद दे हमें सच्चिदानंद दे हमें नित्यानंद दे हमें मुक्तानंद दे हमें प्रणवानंद दे आनंद दे करुणामयी माँ मुझे अपने घन आनंद में समेट कर परमानंद दे करुणामयी माँ मुझे अपने घन आनंद में समेट कर परमानंद दे आनंद से आनंद दे आनंद ही आनंद दे या देवी सच्चिदानंद दे हमें सच्चिदानंद हमें नित्यानंद दे हमें मुक्तानंद दे हमें प्रणवानंद दे आनंद दे हमें सच्चिदानंद हमें नित्यानंद दे हमें मुक्तानंद दे हमें प्रणवानंद दे आनंद दे और एक हमारी बहुत ही स्पेशल गेस्ट थी शो पे दूसरे वेबिनार में मिस दिया नाथ उनका बुक लॉन्च हुआ नमस्कार एवरीबॉडी माय नेम इज दिया नाथ आई एम नाउ 14 इयर्स ओल्ड एंड आई एम ए सॉफ्टमोर 10th ग्रेडर एट Arizona College Preparatory Erie, ACP Erie, and I live in Phoenix, Arizona, in the United States. And some of my biggest passions and hobbies are reading, singing, cooking, especially cooking is one of my biggest passions, and spreading positivity and awareness of self-healing. And basically, I started writing it when I was about 11 years old. I used to watch smoothie videos on YouTube. I would watch all of them until the same ones kept popping up. There are no new ones. And then I started to make my own smoothies and then research more about smoothies itself. And then my mom actually suggested for me to basically write down my smoothies and write a book, including my smoothies. And I did that. I haven't been able to publish it. And this March, my mom actually found a publisher and best-selling author, Barul Agrawal, to help publish my book. And she and my mom actually inspired me to write about. Culinary mythologist है और हमारे साथ जुड़ी ज्योति जैन जी जिन्होंने वैदिक मैथ्स के ऊपर अपनी बुक लॉन्च की इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू
wish you all a very, very happy new year. We are now entering in a new year, 2021. बहुत लोगों को लगता है कि 2020 ने मुझे बहुत कुछ छीन लिया, बट अगेन वी विल से द 2020 ने हमको दिया भी बहुत कुछ है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू थैंक मिस्टर दीपक जैन, डायरेक्टर जनरल ऑफ FII, हु लॉन्च्ड माय बुक ऑन वैदिक मैथ्स ऑन 24th सितंबर. मिस्टर दीपक जैन इज अ पर्सन हु ऑलवेज एनकरेजेस न्यू एंटरप्रेन्योर्स, न्यू बिजनेसेस एंड न्यू एंटरप्राइजेस. उन्होंने मुझको भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया अपने FII पर मेरी बुक ऑन वैदिक मैथ्स लॉन्च करके. आई एम रियली थैंकफुल टू FII टीम एंड टू मिस्टर दीपक जैन सर. अगेन आई रियली विश द FII का जो काम है वो इतना अच्छे से कर रहे हैं. वो लोगों को एनकरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए, नए स्टार्टअप्स को एनकरेज करते हैं. और एक उनका प्रोग्राम चलता है टॉक विद एन एक्सपर्ट ऑन एवरी थर्सडे, इन विच मिस दिव्य जैन एंड मिस्टर संजीव अरोरा का बहुत ही बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करते हैं. वो लोगों को इन्वाइट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर और लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं अपने उनके नेटवर्किंग के लिए और उनके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए. आई अगेन विश एवरीबडी अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021. और इसी के साथ आप प्ले करिएगा संजीव जी वीडियोस, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड और सीनियर लोग जैन समाज के, उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स भेजी हैं नए साल के उपलक्ष में. और हमारे सारे FII मेंबर्स को बेस्ट विशेस दी हैं उन्होंने. तो इसी श्रृंखला में चलते हुए सबसे पहले हैं श्री अशोक जी जैन बड़जात्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिगंबर जैन महासमिति. उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः. फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के सभी उद्यमी बंधुओं को मेरा नमस्कार और जय हिंद. आज श्री दीपक जी जैन का स्नेहयुक्त आग्रह मुझे प्राप्त हुआ और मेरी इच्छा हुई कि मैं अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण आप सबके समक्ष करूँ. संप्रति में जैन समाज की अखिल भारतीय संस्था दिगंबर जैन महासमिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ. श्री दीपक जी जैन राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष के रूप में अखिल भारतीय स्तर पर अपना सुलझा हुआ, समन्वयवादी एवं प्रगतिशील नेतृत्व हमें प्रदान कर रहे हैं. आधुनिक संसाधन जैसे IT, सोशल मीडिया आदि के सामाजिक, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपयोग में सिद्धहस्त श्री दीपक जी जैन एक बहुत ही उपयोगी साथी सिद्ध हुए हैं. मैं दीपक जी की में असीमित क्षमताएं हैं जिसका उपयोग उन सभी संस्थाओं को करना चाहिए जिनसे वे जुड़े हुए हों. मैं अभी तक उनकी संपूर्ण क्षमताओं का उपयोग करने में इतना सफल नहीं रहा हूं, यह स्वीकार करता हूं. एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष के रूप में मुझे अनुभव हुआ है कि उद्यमी हर क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान निर्मित करता है और वह उस नदी के बहते हुए कलकल जल की भांति जिसे रास्ते के पत्थर भी नहीं रोक पाते हैं और वह उनसे बचते हुए अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है. फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के सभी पदाधिकारियों, उद्यमियों एवं सदस्यों को भी नदी के बहते हुए जल की मानिंद अपना रास्ता स्वयं ढूंढकर आगे बढ़ते चलते रहना है. इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं आप सबको प्रेषित करता हूँ. मैं कभी कभी उद्यमियों को उद्यमी के नाम से भी संबोधित कर देता हूँ. आपके अंदर के उद्यमी बच्चे को जीवित रखिए, उसे सकारात्मक रूप प्रदान करते रहिए और अपने उद्यम की सफलता से इस राष्ट्र की सफलता और $5 trillion इकोनॉमी बनाने के सपने को साकार करने में अपना सहयोग प्रदान करते रहिए. इस मंगल भावना के साथ जय भारत, नमस्कार. दूसरी वीडियो है श्री संदीप जैन जी की तरफ से, राष्ट्रीय महामंत्री श्री भारत वर्ष दिगंबर जैन युवा महासभा. जय जिनेंद्र.
आदरणीय श्री दीपक जी जैन, आप श्री भारत वर्ष दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के महत्वपूर्ण पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैन समाज में अपने मृदु स्वभाव एवं सेवा भाव के लिए आपने एक अपनी अलग ही पहचान बनाई है। आपकी दूरदर्शिता से श्री पार्शगिरि तीर्थ, जिसके आप अध्यक्ष हैं, उसने भी चहुमुखी विकास कर जैन अनुयायियों के अलावा सभी समुदायों में एक अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है और लोकप्रियता प्राप्त की है। पार्शगिरि तीर्थ पर भी आपने अनेक जन कल्याण की योजनाएं चला रखी हैं, जिसमें विशेष तौर पर मेडिकल जांच की सुविधा और उपचार की सुविधाएं का लाभ आसपास के जो गांव के लोग हैं वह भी उठा रहे हैं और साधारण जनमानस के लिए यह बहुत उपयोगी साबित हो रही है। इसी प्रकार FII के माध्यम से उद्योग जगत में भी आप अपनी महती सेवाएं दे रहे हैं। नववर्ष की पूर्व संध्या पर मैं संदीप जैन, राष्ट्रीय महामंत्री श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन युवा महासभा, आपको और FII के सभी सदस्यों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय कामनाएं प्रेषित करता हूं और प्रभु से यह प्रार्थना करता हूं कि यह मंगलमय, यह नववर्ष हम सभी के लिए बहुत सौभाग्यकारक हो, मंगलकारी हो, सब प्रकार की पूर्ति करने वाला हो। जय जिनेन्द्र। और भी काफी बड़े माइलस्टोन्स रहे हैं हमारे FII के प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद इनिशिएशन हुआ हमारे स्टॉक शो का, जहाँ हर हफ्ते थर्सडे को हमें इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लेके आते हैं हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन और उद्योगों के लिए, और डायरेक्टली उनसे हम जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनके टिप्स के बारे में, हैक्स के बारे में और डूज एंड डोंट्स ऑफ बिजनेस के बारे में। तो द्रव्य जी, बीइंग अ कोर मेंबर ऑफ, कोर फाउंडर मेंबर, इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कोर फाउंडर मेंबर ऑफ FII, और दीपक जी की एक बिटिया होने के नाते भी आप दीपक जी के बहुत ही क्लोज रही हैं, और एक ये आइडियोलॉजी एक ऐसी संस्था को बनाना और उसके बाद उस संस्था को चलाना, चलाना जो है एक बहुत ही हिम्मत की बात है और बहुत ही
जब तक आप सुलझे हुए ना हो आप ऐसी संस्था नहीं चला सकते जी। और चलाने के लिए भी आपको अकेले नहीं चला सकते, आपको सबको साथ लेकर चलना होता है। और सबको साथ कैसे लिया जाए ये भी एक आर्ट है जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि आजकल तो जितने लोग उतनी बातें और उतने ही डायरेक्शन जी। आपको एक डायरेक्शन में चलाना बहुत ही हिम्मत और बहुत ही मैं कहूंगा कि कोई बहुत ही शिद्दत से करे तभी कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। तो ऐसे जब ये आइडियोलॉजी इम्प्लीमेंट हुई दीपक जी के द्वारा आपकी FII ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हुई, तब से लेके आप दीपक जी को देखते आ रही हैं। और फिर बचपन से ही हर बच्चे के फर्स्ट आइडियल उसके पेरेंट्स होते हैं, तो आपके तो आइडियल भी पेरेंट्स थे और आपने तो वो स्ट्रगलिंग भी देखी, वो चैलेंजेस भी देखे। तो आप इस संस्था की कामयाबी जो आज है कि इतने इंटरनेशनल लेवल पे कामयाब हैं, मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि शायद ही कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो आप टिप्स पे गिन सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे भी कामयाब हो। और हम लोग मतलब FII एज ए FII वी आर प्रेजेंट इन 35 कंट्रीज जी। तो वो एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट बात है और इसमें कहना आसान है, लेकिन उस लेवल पे पहुंचना और उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो चैलेंजेस आना, उसकी आप सबसे बड़ी गवाह भी हैं और एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं और बड़े क्लोजली आपने हर चीज को ऑब्जर्व किया है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मेरा ये मानना है कि एक कोई भी संस्था होती है वो किसी एक विजनरी की ब्रेन चाइल्ड होती है, उनकी एक आइडियोलॉजी होती है जिसके बेसिस पे एक संस्था बनाते हैं बनाई जाती है। तो जितनी जरूरी कोई आइडियोलॉजी है, कोई विजन है किसी का, उतना ही जरूरी आई थिंक उसके टीम मेंबर्स होते हैं, जैसे कि आप और मैं, जैसे कि हमारे 10-15 जो कोर टीम मेंबर्स हैं वो। तो ग्राउंड पेपर ग्राउंड रियलिटी पे उसको पूरा करना, उसको सक्षम करना, एक डिस्कशन को एक रियलिटी बनाना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम और मेहनत का काम वो टीम मेंबर्स करते हैं उस संस्था के। और मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी टू ऑल आर FII टीम मेंबर्स जो हमारे साथ इतनी मेहनत से लगे रहे इस क्राइसिस के टाइम में भी। और ऑनलाइन हमको पूरा प्लेटफॉर्म शिफ्ट करना पड़ा, तो उसमें पूरा सबका सपोर्ट रहा, सबका योगदान रहा और सब बहुत एंथुजियाज्म के साथ लगे रहे। संजीव जी प्लीज वीडियोस प्ले करिएगा, उनका क्या कहना है नए साल के उसमें। नहीं बिल्कुल, उनमें जो एनर्जी और जो प्यार की भावना और डेडिकेशन की भावना मैं देखता हूँ, वाकई में वो काबिले तारीफ है। और उस सबका क्रेडिट मैं दीपक जी को देता हूँ, सबकी भावना तो है ही है, लेकिन उन सबको एक डायरेक्शन देना, क्योंकि डायरेक्शन देना बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए मैं दीपक जी को मतलब तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और नमस्कार भी करता हूँ, दिल से प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने वाकई में वो हमारे बहुत अच्छे हमें उन्होंने डायरेक्शन दी है। और जी। अभी बाकी आप हमारे उसकी वीडियो में देखेंगे, मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं हितेंद्र मेहता, चेयरमैन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल अफेयर्स कमेटी, आप सभी को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आई विश एंड होप दैट द न्यू ईयर थ्रोज अपॉन मेनी अपॉर्चुनिटीज बिफोर ऑल ऑफ अस एंड वी आर एबल टू कैपिटलाइज ऑन दोज अपॉर्चुनिटीज। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू नोट दैट द फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री has been making remarkable contribution even in the challenging year 2020, where almost everything was locked down and the chamber was working day and night in bringing the issues and concerns of the small and medium enterprises before the government and making constructive suggestions to the government and getting some of the very good suggestions implemented as well. So I must compliment Shri Deepak Jain ji
Director General of Federation of Indian Industry and his able team comprising of Shailendra Vyasji, Shri Sanjeev Arora Ji, Dr. Dravya Jain or Sabi, and other office bearers of the Federation of Indian Industries. Start. FedPlus India, same Dheeraj Taneja, Federation of Indian Industry ko bahut bahut shubhkamnaen deta hu naye saal ki. Wish you a very happy new year to Mr. Deepak Jain, Dravya Jain ji aur Sanjeev Arora ji. Aapke liye bahut aur aapke pure parivar aur aapki puri family ke liye hum wish karte hain. Federation of Indian Industry aise hi light dalti rahe industries ke liye aur bahut aage hame growth de. Thank you. Hi, I'm Atul Jain, and I'm taking care of new initiatives and new programs within FII. I'm associated with FII for almost 2.5 years now, and I'm working with Shri Deepak Jainji on various initiatives. Deepak ji is a very dynamic person, man of vision, and inspiration to all of us. His recent initiative for the industry of Haryana had been the boon for the industry, was covered by national and international media equally. I feel absolute privilege to actually work with Deepak ji directly. I have access to his vast experience. FII had contributed a lot in 2021. There had been great movements from FII which benefited multiple industry sectors. And I believe there will be much more contribution coming from FII in 2021, which will help reshaping the Indian economy, which is one of the visions of FII, by the way. I congratulate Dravya ji and Sanjeev ji for such a successful initiative of Talk with the Expert. We have gained a lot from these sessions in 2020, and I see it reaching the new heights in 2021 as well. I wish all the members of FII and the associated partners and all the viewers who are actually following these sessions and wish them very, very happy new year and a great year to come. Thank you. सभी को नमस्कार. नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं. 2020 हम लोगों के लिए निश्चित तौर पे बहुत मीठी और सुखद अनुभूति भी देके गया, लेकिन दुखद भी बहुत थी. तो आशा है कि 2021 सुखद अनुभूतियों का संचार सभी के जीवन में करे. और फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसके संस्थापक हैं आदरणीय डायरेक्टर जनरल दीपक जैन जी, उनके मार्गदर्शन और पूरी टीम के सहयोग के साथ जैसा विगत वर्ष में काम किया है, उससे दोगुना काम हम करें और अच्छा काम करें और समाज में औद्योगिक क्षेत्र में अपना और नाम बनाएं, आगे बढ़ें, यही आशा है. आप सभी को पुनः नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. धन्यवाद. नमस्कार. नमस्कार आप सभी को. मैं डॉक्टर विक्रम बंसल आप सबको नमन करता हूँ. फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जैसा कि आप सभी को पता है, काफी समय से औद्योगिक इकाइयां एवं उससे संबंधित विभागों को मार्गदर्शित करती रही है. हमारे प्रेरणा स्रोत एवं हमारे अपने चिर परिचित श्री दीपक जैन जी हमेशा ही अपने अनुभव एवं कुशल क्षमता से हम सबको लाभान्वित भी करते हैं, अपितु हम सभी ही लाभान्वित नहीं होते, बल्कि हमारे साथ साथ असंख्य लोग भी इस लाभान्वित का लाभ उठाते हैं. आज एक वर्ष के अंतिम छोर पर और अगले वर्ष के स्वागत के लिए हम सब उत्साहित हैं. मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है FIII अपनी पूर्ण ऊर्जा से, जैसा कि वो पहले ही करती रही है, औद्योगिक इकाइयों एवं उससे संबंधित विभागों को मार्गदर्शित करती रहेगी. हम सबको एक बात का और ज्ञात होगा कि शैक्षणिक विभाग, जितने भी विश्वविद्यालय हैं या स्टार्टअप डिवीजन हो या एमएसएमई सेक्टर हो,
उनके साथ भी तालमेल कर FII भारत को आत्मनिर्भर भारत कैसे बने उसके लिए भी एक ब्लूप्रिंट को तैयार करने में लगी हुई है। मेरी श्री दीपक जैन जी को, उनकी टीम को, उनके सदस्य जो निरंतर उनके साथ हैं, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं कि 2021 में भी वो एक नया कीर्तिमान स्थापित करें जिससे देश आत्मनिर्भर हो, आत्मसमर्पित भी हो। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। नमस्कार। हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज मोनिका गुप्ता, अ पीएचडी रिसर्च स्कॉलर एंड अ फॉर्मर कॉमनवेल्थ फेलो टू यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, एंड आई एम प्रेजेंटली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ जेंडर डायस्पोरा एंड एजुकेशन स्टडीज। I consider myself really fortunate to be associated with FII, Federation of Indian Industry, and for this, I'm extremely thankful to Director General of FII, Shri Deepak Jain ji, who provided me this opportunity to connect with FII. I also consider myself extremely lucky to be associated with their extremely great initiative of Talk with an Expert series that was launched a few months back into 2020 itself, where I delivered a lecture on new educational policy and its role in India's development. And I would extremely recommend you to please go and visit the YouTube link of FII, where you can find similar lectures with different experts on different issues of India, be it social, economic, education, industry related, etc. And I once again thank FII for this great initiative of bringing awareness within the society and contributing for the growth and development of India. Lastly, I would like to thank once again Shri Deepak Jain ji and the entire team of FII for this wonderful initiative. And I would like to wish you all a very, very happy new year. May this new year 2021 brings lots of good things for you as well as for this nation. With this, I would conclude. Thank you. Jai Hind, Vande Mataram. In a series of highlights in the year 2020 for FII, another highlight in the month of December, FII led a delegation to the commissioner of Gurgaon, जहां गुड़गांव के उद्यमियों ने अपने वन ऑन वन सारी तकलीफें परेशानियां अपने रनिंग बिजनेसेस के बारे में, चाहे वो पैंडेमिक रिलेटेड, कोरोना रिलेटेड हैं, या नए फार्म लॉस से रिलेटेड जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनसे रिलेटेड तकलीफें हैं, या एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है कंट्री में बिजनेस का और नए बिजनेसेस का मेक इन इंडिया के लिए, उनसे रिलेटेड जो भी तकलीफें थी सारी प्रेजेंट की। और दिस वाज वन ऑफ इट्स काइंड दिस मीटिंग, तो जहां हमारी बातें सुनी गई, रखी, और FII लुक्स फॉरवर्ड to working with the government for the betterment of the city of Gurgaon, for Haryana and India. So in this delegation led by Shri Deepak Jain ji, our Haryana chapter president Shri Harbhajan Singh ji, general secretary Deepak Maini ji, Rajan Dogra ji and many others were also present. They have also sent us blessings for the new year. Kindly please play the video. सबको मेरा नमस्कार। मैं हरभजन सिंह, FII हरियाणा चैप्टर का प्रेसिडेंट, नव वर्ष की पूर्व संध्या में आप सबको अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, आदरणीय श्री दीपक जैन जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं, उनकी सरपरस्ती में ना केवल राष्ट्र बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय स्थलों में भी उद्योग को बढ़ावा देने एवं उद्योग की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारा उद्देश्य उद्योग की समस्याओं के समाधान में सकारात्मक भूमिका निभाना, सरकार की पॉलिसी मेकिंग में अपना सहयोग देना, और कोई भी ऐसे मुद्दे जो
निवेश के आगमन में बाधक बन रहे हूं उनको उठाना एवं सही राय देकर सही नीतियां बनवाने में सरकार को अपना सहयोग करना है। हम आशा करते हैं कि आने वाला वर्ष 2021 उद्योग के लिए सकारात्मक साबित होगा। नमस्कार। नमस्कार, आप सभी को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। 2020 ने हमें एक चीज सबसे ज़्यादा जो सिखाया है वो यही सिखाया है कि स्वास्थ्य ही संपदा है। और मैं 2021 की बात करने से पहले आपसे थोड़ा 2020 के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि 2020 में आपने देखा कि फाइनेंशियली भी बड़ा साल अच्छा नहीं रहा और कई कारणों से ये साल हमारे लिए काफ़ी कठिनाई पूर्वक रहा। मैं FII की तरफ से उन सभी लोगों का, भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के उन सब कोरोना वॉरियर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस कठिनाई के समय में लोगों की मदद करी, जिसमें वो लोग सबसे पहले जिन्होंने लोगों को इस मुश्किल घड़ी में खाना खिलाया, सामान बांटा, इसके अलावा डॉक्टर्स, उसके अलावा नर्सेस, उसके अलावा जो पुलिसकर्मी हैं वो, उसके अलावा सफाई कर्मचारी, इन सब का मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से। इन्होंने इस मुश्किल के समय में लोगों का साथ दिया और उनकी मदद की। अब मैं आप सबको फेडरेशन की तरफ से, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से दोबारा से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका यह साल बहुत अच्छा निकले, आप लोग तरक्की करें, आपके बिजनेस सब अच्छी तरह चलें, सेहतमंद रहें, आपके परिवार, आपके दोस्त मित्र सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। नमस्कार। Hi everybody. So I am Rajan Dogra, and I have been recently associated with FII, and I feel very privileged and very honored that I could get a chance to speak on this occasion, because this terrible year is coming to an end, and I feel the next year which is coming up should be a very prosperous and very happy one. Since vaccine has been found now, so I see a dark tunnel coming to an end finally. And there's one more thing I would like to say, that it was a very fortuitous moment for me when I got in touch with Mr. Deepak Jain. So there was a national conference taking place for FII back in February. So I went there to meet somebody, and by chance I happened to appear for a small bites I gave it to some journalist, and it was recorded, and it went to Mr. Deepak. He felt quite happy about it. He appreciated what I said, and after that I started meeting him, and it has been a very, very pleasant experience meeting him, knowing about his views, knowing about the kind of work he's doing, knowing about the kind of association he has with the various forums, and the kind of work he has been doing for the government. I really, really feel very, very happy to get associated with FII. I wish everybody a happy new year and a great year which is coming ahead. Thank you so much. Bye. Today on our New Year special, we have the privilege of having Shri Deepak Jain ji and Shri Shailendra Vyas ji on board with us. We welcome you all. I would also like to take this opportunity to share Shri Deepak Jainji's profile with all of us. He's an entrepreneur, thinker, writer, economic policies advisor.
He's also the national working president of Digambar Jain Mahasamiti. He was former president of Laghu Udyog Bharati Haryana. He has been an independent director of HSIDC. He has several papers to his credit, including Economic Vision Document, Document on Black Money, Gold Bond Scheme, Document on Haryana Yamuna Action Plan and in Haryana Industrial Policy, and Cancer Care Program. He has a vast experience of 35 plus years in the MSME industry, trade and international business, spanning in various sectors such as metals, fertilizers, plastics, auto components, and international trade. He has an extensive experience in government policies, regulations in states, and industrial policy initiatives and promotion of general and small scale industries. He has been instrumental in reviving SICK units in metals, plastics, automotives, components field. He has an in-depth knowledge of small scale as well as the ecosystem governing the small scale industry. I would also like to introduce Dr. Shailendra Vyas's profile with all of us. He is the Vice President of Federation of Indian Industry. By profession, he is a genetic scientist. At FII, he is the head of the startup division and also the editor of the media division. Dosto. कहते हैं दुनिया में भगवान का जो सबसे बड़ा रूप होता है वो सबसे पहले माँ बाप होते हैं, फिर हमारे गुरु साहिबान होते हैं। तो उसी तरह हमारे जो भगवान के रूप हैं, हमारे महाराज जी जैन समाज के जो महाराज जी हैं, गुरु हैं, उनका भी एक वीडियो रिकॉर्डिंग आना था, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी इंटरनेट इशू की वजह से अभी तक पहुँच नहीं पाया यहाँ पर। तो मैं श्री दीपक जैन जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो गुरु साहिबान जी की तरफ से जो मैसेज आया है वो आप सब तक पहुंचाएं और बाकी वो भी हमें आशीर्वाद दें नए साल के उपलक्ष्य में। श्री दीपक जी। मुझे खाली महाराज जी की तरफ से बोलना है या अपनी बात भी इसी में कहनी है? सर, सबसे पहले महाराज जी का जो मैसेज आना था जो नहीं आ पाया वो, उसके बाद आपका आशीर्वाद तो चाहिए सर। महाराज जी ने वो दरअसल वीडियो हमारे तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में महाराज जी ने जो हम लोग समाज के अंदर परोपकार के काम कर रहे हैं उनके लिए अपना आशीर्वाद भेजा है और FII के सभी सदस्यों को शुभकामना संदेश महाराज जी ने भेजा है। अगर वीडियो इस कार्यक्रम के अंत तक भी आ गया तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा, लेकिन महाराज जी का इतना आशीर्वाद ही बहुत है। मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर शैलेंद्र व्यास जी, श्री संजीव अरोड़ा जी, डॉक्टर द्रव्या जैन, आप सब लोगों का मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने, मैं समझ सकता हूं आपका स्नेह है, बिल्कुल समय कम देते हो, मुझे बताते ही नहीं कि मेरा कार्यक्रम आपने आज रखा हुआ है। खैर एनीवे, जो कुछ कम शब्दों में मैं कह पाऊंगा आपको सो मैं प्रयास करूंगा। देखिए 2020 की बात मैं सबसे बाद में करूंगा, पहले मैं FII की बात कर लूं। FII में हम यूं समझिए 2013 के शुरुआत से हम जो लोगों की टीम साथ में लगी और उसके बाद कारवां जैसे जैसे आगे चले कारवां बढ़ता ही गया, लोग जुड़ते गए और ईश्वर की कृपा से आज 18 प्रांतों में भारत के और विश्व के 39 कंट्रीज में हमारी प्रेजेंस है, 18 प्रांतों में चैप्टर्स हैं और 145 कंट्रीज में हमारा न्यूज़लेटर हर महीने टच करता है। एक बड़ी उपलब्धि
जहां लोगों को फखर केवल इसी बात का है कि भारत की कितनी बुराई कर सके, वहां हमें गर्व इस बात का है कि भारत की पॉजिटिव न्यूज हम विश्व के सभी देशों के सामने रखते हैं। नेगेटिव न्यूज रखने को तो सारी मीडिया चैनल भरी हुई है। और FII की शुरुआत कैसे हुई, कुछ लोगों के मन में पीड़ा थी भी जो देश के आर्थिक हालात हैं वैसे नहीं होने चाहिए। स्वभाव से हम भी समझते हैं और मेरे साथी भी सभी समझते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए। तो फिर वो जो शुरू के संस्कार हैं कि जहां कोई नहीं जा रहा वहां आप बढ़ चलो, लोग साथ में आएंगे तो कुछ लोग साथ में इकट्ठे होकर के बढ़ चले, भाई जहां ठीक नहीं है वहां ठीक करने का प्रयास करना चाहिए अपने को। तो हम लोगों ने प्रयास शुरू किया और प्रयास आगे बढ़ता गया और प्रयास जितना जितना हम लोग मेहनत करते गए उतनी उतनी प्रयास सफलता की ओर बढ़ता गया। और वो इन्हें एक एक प्रांत में व्यक्तिगत संपर्कों के आधार के ऊपर, मित्रता के आधार के ऊपर वो हम आगे बढ़ते चले गए उसके अंदर। और हमारे पास इस बात का यानी मुश्किल से 5-7% लोग हैं जो बीच में किसी ना किसी कारण से, अन्य अन्य कारणों से छूट गए, लेकिन जो टीम शुरू से चली थी वो टीम चलती रही। हमारी टैगलाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज बिल्डिंग नेशन। हमें अभावों के अंदर और नई योजनाएं और नई डेवलपमेंट्स दिखाई देती हैं और उसी के अंदर हमें देश का विकास दिखता है कि जहां जहां अभाव ज्यादा हैं वहां वहां देश का विकास अच्छे से हो सकता है। और हमारे प्रयास भी इसी दिशा में रहते हैं। महीने में लगभग कहने को हम 350 से 400 न्यूज फ्लैश करते हैं अपने मेंबर्स को और अपने मित्रों को, लेकिन वो न्यूज नहीं होती, वास्तव में उसमें छिपी हुई एम्बेडेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो सबको फ्लैश करते हैं हम। अब जिसका जैसा भाग्य है वो उस अपॉर्चुनिटीज को कैच भी कर सकता है, डिसाइफर भी कर सकता है और उसको एनकैश भी कर सकता है। तो ये तो हमारी हिस्ट्री और अपने लाइक माइंडेड जितने लोग इस सफर में हमारे साथ हैं, पीछे मुड़ के हम गर्व के साथ देखते भी हैं और हमें इस बात का सबका स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, इस बात का हमें खुशी भी है। अब बात करता हूं 2020 की। 2020 लोगों को बड़ा दुख है कि 2020 में ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिला, लाखों लाखों लोग मारे गए और कोई देश ऐसा नहीं है कि जो अछूता रह गया इससे। और विनाश की एक मंजर लगभग हर एक देश ने कहीं कम कहीं ज्यादा ऐसा देखने को मिला है, लेकिन वो उसकी डाउन साइड है। और उसकी प्लस साइड है जो हमें महसूस करनी है, देखनी है और शिक्षा लेनी है। वो प्लस साइड क्या है कि बहुत ही सूक्ष्म रूप में, बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही सीमित साधनों से सारे विश्व ने जीना सीख लिया। कोरोना ने रोल्स रॉयस वाले, मर्सिडीज वाले, मारुति 800 वाले, मोटरसाइकिल हीरो होंडा वाले, सभी जितने भी बड़े बड़े बिग शॉट्स थे सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला दिया। पेट्रोल की सेल जीरो हो गई और सारे दुनिया के अंदर जितने भी क्रूड ऑयल के टैंकर्स थे वो भरे के भरे रह गए। अने आप सोचिए कि -$35 या -$40 इन माइनस में कि आप वहां से एक बैरल क्रूड का उठाओगे और वो आपको $40 और देंगे साथ में कि आपने उठाया भाई साहब, एक हमारा डॉलर
और ये $40 आप रखिए, इतना तक हमारे क्रूड ऑयल के प्राइसेस डाउन गए, इंडस्ट्री की क्या दुर्दशा हुई है। लेकिन ये शेकअप हर 100 वर्ष के बाद विश्व के इतिहास में आ रहा है, पिछले 200, 300, 400 साल से हम देख रहे हैं कि शेकअप आ रहा है और दुनिया को ये बताने के लिए आ रहा है कि भैया जो आपका जीने का तरीका है वो ठीक नहीं है। आप दुनिया भर के जितने भी संसाधन हैं उनका दोहन तो कीजिए लेकिन शोषण नहीं कीजिए। हमने पिछले 50 वर्षों में विश्व भर के जितने संसाधन थे उन सब का शोषण करके खोखला कर दिया धरती माँ को, तो धरती माँ ने और प्रकृति ने मिलजुल करके ये सबक सिखाने का अपने तरीके से, उनका अंदाज है कि उन्होंने सारे लोगों को सबक सिखाया कि आप अपनी मनुष्य हैं, मनुष्य की सीमा से बाहर निकलने का प्रयास मत कीजिए। तो ये 2020 की एक सीख थी जो हमारे सब लोगों को सीखने को मिली है। डाउन साइड भी रही लेकिन उसमें प्लस साइड भी रही। उसी दूसरी तरफ से मनुष्य का एक सामाजिक पक्ष भी सामने आ रहा हमारे, मौत सामने खड़ी है और हमारे डॉक्टर ड्यूटी पे तैनात हैं, मौत सामने खड़ी है हमारे पुलिस वाले बिना छुट्टी किए ड्यूटी पे तैनात हैं, हमारे हेल्थ वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स सभी ड्यूटी पे तैनात हैं, सिविल सर्विसेज के लोग सभी ड्यूटी पे तैनात हैं। इतना यानी अभिभूत हो जाता व्यक्ति उनका वर्णन करते हुए कि किस प्रकार से अपनी जान को जोखिम में डाल के समाज का ही एक पक्ष ड्यूटी पे तैनात रहा। किसी को ये नहीं मालूम था ये जीवित वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना ड्यूटी निभाई है, 24/7 निभाई है। तो मैं FII की ओर से उन सभी सेवा कर्मियों का, कोरोना वॉरियर्स का हृदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना बियॉन्ड द कॉल ड्यूटी निभाई है। आज एक बड़ी मुहिम चली हुई है डिसओन करने की। जिन देशों ने इस वायरस को पाल पोस के बड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान दिया वो आज इससे पल्ला झाड़ रहे हैं कि भाई साहब हम तो आप ही लोगों की तरह भुगत रहे हैं इस वायरस को, हमें ये पता ही नहीं कि कहां से आया। वायरस का नाम भी बदल दिया गया, दूसरा नाम रख दिया, तीसरा नाम, लेकिन चोर को कुछ भी भाषा में कहो रहेगा तो वो चोर ही। तो मैं ये सुनता हूं कि आज कोई उसी वायरस का ब्रांड न्यू स्ट्रेन भी रिलीज हो गया version 2, और उस वर्जन से कोई बच नहीं पाएगा। और मुझे जहां तक, मैं शैलेंद्र जी से एक बार बात कर रहा था, इन्होंने कहीं कोई बहुत बड़ी वायरोलॉजी की लेबोरेटरी है उसका जिक्र किया जहां इसी प्रकार के वायरस पाल पोस के बड़े किए जा रहे हैं विश्व के अन्य देशों में परोसने के लिए। लेकिन अगर आप अपने पिछवाड़े में और सांपों के बच्चे पालेंगे तो जरूरी थोड़ी ना पड़ोसी को ही काटेंगे, वो आपको भी काट सकते हैं। तो जो देश इस प्रकार के कामों में लगे हुए हैं उन देशों से अपने को सावधान रहना चाहिए। WTO और नो WTO, अपना हित हमको सबसे पहले ध्यान रखना है, अपने देश का हित सबसे पहले ध्यान रखना है। बड़े बड़े देश WTO की हिमायत करने वाले या वैश्विक संधियों की हिमायत करने वाले वक्त बेवक्त मौके पे सबसे पहले उस संधि के पन्ने को फाड़ के फेंकते हैं और वो फटे हुए कागज भी हमारे देश के मुंह पे मार जाते हैं कि लो भाई साहब हम तो इस संधि से बाहर हो गए। आप थोड़ा सा पीछे गौर कीजिए, क्रायोजेनिक इंजन और दूसरे रॉकेट टेक्नोलॉजीज और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, सब लोगों ने पीछे मुड़ करके ऐसा पन्ने फाड़े हैं और इतनी संधियां तोड़ी हैं। तो
तो हमें भी जब हम बात करते हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे तो अपने देश का हित साधन सबसे पहले करना चाहिए। हम सरकार को भी यही मशवरा देंगे, कृपया अपने देश के हित साधन कीजिए। वैश्विक संत बनने की जिम्मेदारी या ठेका केवल भारत ने ही नहीं लिया। तो ये मेरे हिसाब से 2020 का एक बड़ी सीख है जिसकी ओर हमको ध्यान रखना चाहिए। और इसी श्रृंखला में पिछली बार न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के एमपीज के साथ जब बातचीत हुई थी तो हमने सुझाव दिया था, उसमें भारत के कई एमपीज भी थे, कि भारत को आज लीड लेकर के कम $10 बिलियन का फंड क्रिएट करना चाहिए जिसमें नए नए वायरस के स्ट्रेन्स उनको डिटेक्ट किया जाए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, उनसे लड़ने की दिशा के अंदर भारत पहल करे, एक अग्रणी रोल भारत अदा करे और जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं वो भारत के साथ आकर के मिले। तो एक वो एक नया फील्ड, नई अपॉर्चुनिटीज के साथ जिसमें भारत लीड लेगा। आज भारत देखिए वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन में, वैक्सीन के अंदर भारत नंबर वन बनने को जा रहा है, चाहे वो बेसिक रिसर्च के विषय में ना हो लेकिन वैक्सीन लगाने के फील्ड में ही भारत नंबर वन बनने को जा रहा है। तो उसी लिए हमने तब कहा था, करीब 4-6 महीना पहले की बात है वो, कि आप लीड लेकर के और ये वायरस की रिसर्च में विश्व में अग्रणी बन के नंबर वन पे खड़े स्थान पे आप पहुंचिए। तो ये हमारा जो वायरस का 2020 का चैप्टर है, कुछ दुखदाई चीजें भी हमें देकर के क्या, बहुत से होनहार लोग हमारे से छूट गए। और मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो लगभग सारी इंडस्ट्री बंद हो ही गई थी लेकिन जो वापस खुलने वाली इंडस्ट्री है, जब ओपनिंग अप चालू हुआ उसमें से भी 70-80% ही खुल पाई है, बाकी के 20% इस कोरोना काल की बलि चढ़ गए। और मुझे नहीं लगता कि वो बाकी के 20-30% लोग वापस अपने काम धंधे से लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो वो एक नेगेटिव साइड है। और एक पॉजिटिव साइड और मेरे सामने है कि कोरोना काल में लगभग जितनी भी सुझाव भारत सरकार को और प्रदेश सरकारों को FII की ओर से दिए गए, सरकार ने उनको पॉजिटिवली लेकर के सुनकर के उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए, जो चिंता करके त्वरित कार्रवाई करनी थी सरकार ने वो कार्रवाई की, और जो रिलीफ इंडस्ट्री को दे सकते थे सरकार ने वो रिलीफ दिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, पीयूष गोयल जी का, निर्मला सीतारमन जी का, भारत सरकार के अन्य अधिकारियों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। अब हम वर्ष 2021 की ओर आए। मुझे कहा गया था न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात कीजिए। अब न्यू ईयर रेजोल्यूशन मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि जो 2020 का समय हमने लूज कर दिया जाने अनजाने में, 2021 समाप्त होने से पहले पहले वो लॉस्ट पीरियड हम रीगेन कर लें, वो लॉस्ट बिजनेस, वो लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, वो सब रीगेन कर लें इन टर्म्स ऑफ अवर ओन फैक्ट्रीज, ना सिर्फ अपनी फैक्ट्रियों के बारे में बल्कि देश के विषय में भी, जो हमने लॉस किया इन टर्म्स ऑफ GDP, इन टर्म्स ऑफ GST, वो सारा रिकूप करके 2021 के बाद ये चैप्टर हमारे लिए क्लोज्ड होना चाहिए। और क्योंकि वायरस नया स्ट्रेन आ रहा है और उससे भी अपने को घबराने की जरूरत नहीं, इसी का बड़ा भाई या बड़ा वर्जन कह लीजिए जो भारत का वैक्सीनेशन प्लान है उसमें वो भी कवर होगा, ऐसा मुझे एक्सपर्ट्स ने बताया है।
जो हमारे पास रेजोल्यूशन के नाम पे लॉसेस हुए हैं पिछले, उनको हमने रीगेन करना है, और एफआईआई ने कम से कम डबल स्पीड से दौड़ना चाहिए, ऐसा मेरा सभी अपने मेंबर से, अपने सभी टीम के साथियों से निवेदन है। डबल स्पीड से दौड़ना चाहिए, जितने इनिशिएटिव्स हैं सरकार के उन सबको ग्रास रूट पे पहुंचाने का दायित्व हम जैसी संस्थाओं का ही है कि हम उन इनिशिएटिव्स को ग्रास रूट पे, बॉटम ऑफ द पिरामिड पे जितनी जल्दी से जल्दी हो वो पहुंचाएं। सरकार की बात करने की अपनी शैली है, सरकार नियम पास करती है, उसका नोटिफिकेशन करती है, अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देती है, सरकार का काम वहां खत्म हो गया। उस वेबसाइट से लेकर के और लघु उद्यमी तक, छोटे उद्यमी तक पहुंचाना हम जैसे संस्थाओं का दायित्व है। उसको निभाते हुए 2021 में 2022 में हम वो सभी योजनाओं का लाभ छोटे उद्यमी को मिल सके, भारत तभी आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज, कई सारी नई चीजें हमें इस कोरोना दौर में सीखने को मिल रही हैं। एक तो एक नया मंत्र हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आत्मनिर्भर भारत का। ये भी यानी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे उद्योगों के लिए, हमारे उद्योग लघु उद्यमियों के लिए। आत्मनिर्भर भारत, पहचान कीजिए हर छोटी से छोटी चीज, कौन सी बाहर से आ रही है या कौन सी बड़ी एमएनसीज बना रही हैं जिसको हमारा लघु उद्यमी बना सकता है, हम उस आत्मनिर्भरता की ओर चलें। दिखने में वो चीज छोटी हो सकती है, लेकिन जब सारे देश के स्तर के ऊपर हम उसका बजट देखते हैं तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है। हम आज के दिन में जो काम रुपयों से चल सकता है, हमें उसके लिए एक भी डॉलर खर्च नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आत्मनिर्भर भारत ये एक सोच है, और इसको अमल में लाना, अमली जामा पहनाना, वो हमारा दायित्व है। आत्मनिर्भर भारत में एक पक्ष और है, ऑयल इंपोर्ट बिल का। ऑयल इंपोर्ट बिल इस वक्त यानी दो चिंता के कारण भारत के लिए है, एक तो ऑयल इंपोर्ट बिल और दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इंपोर्ट का बिल, दोनों बहुत भयानक रूप से बढ़ रहे हैं। तो इसको अपने लोगों ने सोच समझ करके कंट्रोल में करना चाहिए, और सरकार के लिए मैं इसमें विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि थोड़ी सी इन्हें बड़े दिल से, खुले मन से सोचिए। आज बिजली कंपनियां हमारी 2.25 रुपया 2.5 रुपया में बिजली बना करके लोगों के मैंने हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही हैं कि आप हमारे से बिजली खरीद लीजिए, और हमारे उद्योगों को बिजली 10 रुपए में खरीदनी पड़ रही है। चार गुना अधिक दाम उद्योगपति को देना पड़ रहा है, और फिर उद्योगपति वो वाली बिजली खरीदता है जिसको पैदा करने में या तो हाइड्रो रिसोर्सेस लग रहे हैं और वो तो कम है, लेकिन जो हमारे दूसरे इंपोर्ट के ऊपर आधारित रिसोर्सेस हैं वो ज्यादा कंज्यूम हो रहे हैं। तो उसको बदलते हुए कोयले के ऊपर डिपेंडेंसी कम कीजिए, तेल के ऊपर डिपेंडेंसी कम कीजिए, एनर्जी की नीड्स जितनी भी हैं वो सोलर से पूरी कीजिए। अगर आपके पास खपत बहुत अधिक है और सप्लाई उससे ज्यादा अधिक है तो प्लीज वेस्ट करने की बजाय
ऐसा कुछ बोनांजा पीरियड आता है, जैसे बड़े बड़े होटलों में हैप्पी आवर्स आते हैं एक के साथ एक फ्री, तो जिसकी 100 यूनिट की कंजम्पशन है उसको प्लीज अलाउ कीजिए कि 100 यूनिट के पीछे 100 यूनिट और आपको फ्री देंगे, आप सोलर वाली बिजली इस्तेमाल कीजिए, घरों के चूल्हे चलने हैं, गैस का उपयोग कम कीजिए, उसको हीटर दे दीजिए ताकि वो सोलर बिजली की कंजम्पशन करें और ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी सोलर के ऊपर आए और हमें फॉसिल फ्यूल्स कम इस्तेमाल करने पड़े। ये एक आत्मनिर्भर भारत के ऊपर ही सोच करके ये एक फंडामेंटल चेंज है जो सरकार को अपनी पॉलिसी के अंदर लाना चाहिए। दूसरी चीज ये कि ज्यादा से ज्यादा हमने उद्योगों को अभी तक वेस्टर्न पैटर्न के ऊपर, भारी मशीनरी के ऊपर, भारी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके रखा है, लेकिन आज हमें अपने गांव से, अपनी धरती से, अपनी गाय से, अपनी कृषि से वापिस से जुड़ने की आवश्यकता है। वापिस से उनसे जुड़ करके हम जो उद्योग लगाएंगे, जो पूंजी का निवेश करेंगे, वो पूंजी हमारे देश के अंदर रोजगार पैदा करेगी। धरती से जुड़ा हुआ रोजगार होगा, कोई तकनीक हमें बाहर से उसके लिए नहीं लानी, जो एग्जिस्टिंग तकनीक है उनका विकास करके और हम उसको अच्छे से कर पाएंगे और हमारे नौजवान इधर उधर चीजों में समय वेस्ट ना करते हुए अपने से अच्छे से वो गांव के अंदर रह करके ही अपना रोजगार कर पाएंगे। यानी उससे हमारा गौ आधारित उद्योग भी फले फूलेगा, हमारी कृषि भी फलेगी, हमारे जो जमींदार लोग हैं, किसान लोग हैं, उनकी आमदनी भी होगी, मेक इन इंडिया भी फलेगा। 2021 के रेजोल्यूशंस में मैं अपने उद्योगपति भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो फोकस करें, मैन्युफैक्चरिंग तो ठीक है लेकिन R&D के ऊपर फोकस करें, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करें। हमें शायद 2024 का मोदी जी ने रखा था कि $5 trillion इकोनॉमी तक पहुंचना है। मुझे लगता है कि अगर जोर शोर के साथ और जितने डायनेमिक विजन और जितना प्रेशर इंडस्ट्री के ऊपर सरकार ने अब दिया है और आने वाले बजट के अंदर मैं सुनता हूं कि इट विल बी टर्म्ड एज मदर ऑफ ऑल बजट्स, तो अगर बजट के अंदर और अधिक सुविधाएं आती हैं तो वो हमको टारगेट प्रीपोन कर पाए, ऐसी अपनी यानी प्रवृत्ति रखनी चाहिए कि हम 2024 की बजाय 2022 के अंत तक या 2023 के मिडल में उस टारगेट को पूरा कर सकें। तो मेरा आप सब लोगों से इतना ही निवेदन कि हमारे देश को आज के दिन में स्लीपिंग जायंट की तरह नहीं, लेकिन वी शुड रोर लाइक ए लायन, हमारे देश को सिंह की गर्जना के साथ हमारी आर्थिक प्रगति को और ज्यादा अधिक मुखर होना चाहिए और हम जो छोटे उद्यमी हैं हमारे कंधों पे ज्यादा उसका दारोमदार है। आज 11 करोड़ लोग छोटे उद्योगों से जुड़े हुए हैं और 11 करोड़ लोगों के साथ उनके परिवार जुड़े हुए हैं, उन परिवारों में खुशहाली आएगी छोटे उद्योगों के ऊपर फोकस करके। और इसी काम में लगे हुए मैं अपने सभी फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के टीम के साथियों को और सभी विदेशों में जो हमारे सहयोगी हैं, प्रांतों में जो सहयोगी हैं, उन सभी साथियों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ और अधिक उत्साह से हम लगे, अधिक जोर शोर से लगे। इसी के साथ भाई संजीव जी, शैलेंद्र व्यास जी, द्रव्या जी, अगली बार जब मिले तो हमारी आवाज में और ज्यादा जोर शोर होना चाहिए। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपने सबसे पहले गुरु महाराज जी का मैसेज दिया
उसके बाद हम हमारे ऑडियंस ने बहुत अच्छा आज उनको नॉलेज मिली और FII एक्चुअल में क्या कर रही है और क्या करने जा रही है और लोगों के लिए FII का क्या रोल है, ये आज उनको एक और अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से जानने का मौका मिला। और एक लोगों का नजरिया है जो मैं देख रहा हूँ आजकल, हम देखते हैं आज तक हर साल सब लोग मनाते हैं कि नया साल आ रहा है उसकी खुशियां मनाते हैं, इस बार पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं कि ये साल जा रहा है। तो एक ये छोटा सा नजरिया है जो बदला है, बाकी तो आगे सब अपना अपना सबसे जो बेहतरीन दे सकते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों आज हमारे बीच में हमारे FII के वाइस प्रेसिडेंट श्री शैलेंद्र व्यास जी हैं जो बाय प्रोफेशन जेनेटिक साइंटिस्ट हैं और स्टार्टअप डिवीजन के भी प्रेसिडेंट हैं और मीडिया ग्रुप के एडिटर हैं, तो मैं उनको भी वेलकम करूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी कुछ दो शब्द कहें। धन्यवाद आप सबका। भाई साहब ने जैसा कहा कि बहुत कम समय दिया था उनको, तो मैं उसका ध्यान कराना चाह रहा था दीपक जी का कि भी जस नाम तस काम, आपका नाम ही दीपक है और जो ज्योत आपने जलाई FII जो है वो आपका जो ब्रेन चाइल्ड है, आपने विभिन्न विभिन्न संगठनों के साथ जैसा जैसा काम किया या आपके जितने अनुभव हैं वो आपने FII में दिए, तो मेरे ख्याल से ये इस ज्योत का प्रकाश है जो आज हम सबका मार्गदर्शन कर रहा है। और आपके लिए तो एक भी बस आपको बताना होता है और आप का जो अनुभव है अत्यंत हमें प्राप्त हो जाता है। तो समय कम दिया इसके लिए क्षमा चाहते हैं, पर हाँ ये है कि आपको तो खुद एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो FII का काम हम कर रहे हैं उसमें आपका मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता है। तो FII का काम ही यही है कि उद्यमीन ही सिद्धियंति कार्याणि न मनोरथे, और जैसा एक हमारे भाई साहब ने कहा था कि उद्यमी को उद्यमी भी होना चाहिए, तो नव सृजन तभी हो पाएगा जब हम आपके उस नॉलेज के साथ में और अपने उस साहस के साथ में हम काम कर पाए। धन्यवाद प्रस्ताव के लिए कहा है, बट धन्यवाद प्रस्ताव तो क्या कहें, क्योंकि हम आप ही के साथ काम कर रहे हैं, आप ही के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। तो आज के इस अंग्रेजी वर्ष 2020 के अंतिम दिन पे हमारा जो रूटीन कार्यक्रम था वो आज के दिन कोइंसिडेंटली आज ही रहा, थर्सडे को लाइव होता है 4 बजे हर रोज, हर गुरुवार को, और आज के दिन आपका मार्गदर्शन दीपक जी का हमें मिला और आपने पूरे वर्ष भर की गतिविधियों को बताया और उससे पहले FII का जो थीम है कि FII क्या है, आपने किस हेतु को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया है, तो आपने उस पर थोड़ा प्रकाश डाला। FII अन्य संगठनों के अपेक्षा जो मुझे लगता है, और जैसा आपने एक वर्ड बोला था पॉजिटिव, तो ये शायद उस दीपक का प्रकाश है जो हमेशा जैसे अंधकार को दूर करता है, वैसे ही FII भी उसी रूप में नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी की तरफ हमारा मार्गदर्शन करता है। वर्ष 2020 में जैसा आपने बताया और सबको ज्ञात है कि भाई कोविड की महामारी के कारण करीब करीब सारे क्षेत्र में इंडस्ट्रीज का, इकोनॉमी का और इवन सोशल लाइफ का भी कहीं कहीं पे एक हमें जिसको कहते हैं उतार चढ़ाव देखने को मिला। परंतु इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि भी पॉजिटिव बात क्या रही हम चीज में देखने का, चूंकि FII के उसमें लोग हैं हम लोग, तो हम नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो
इस नेगेटिव माहौल में भी इस कोविड की देन ये रही कि मानव ने, हम सब ने मिलके चुनौती को स्वीकार करना और उसमें इनोवेशन का एस्पेक्ट लेके आना। क्योंकि मैं स्टार्टअप भी देखता हूं, स्टार्टअप डिवीजन का भी ध्यान करता हूं, तो इनोवेशन उसके मूल में है और शायद इस इंडस्ट्री ने भी कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार किया कि एक जो हम रूल बनाते हैं, हो सकता है प्रकृति आपके उस रूल, प्रकृति का दोहन हमने बहुत किया, आंख बंद करके प्रकृति देती गए हम लेते गए, पर प्रकृति बलशाली है, वो कभी न कभी आपको चुनौती दे देती है कि भाई मानव सर्वोपरि नहीं है, सर्वोपरि मैं हूं। एक पल नहीं लगा लोग घरों में बंद हो गए, तो इसने इंडस्ट्री को कम से कम ये सिखाया कि हम जो रूल बनाते हैं, नियम बनाते हैं, कहीं कहीं प्रकृति जब चुनौती देती तो उससे निकलने के लिए हमें इनोवेशन की आवश्यकता होती। ये समय हमारे लिए चिंतन का समय भी रहा इंडस्ट्रीज के लिए। करीब करीब सारी इंडस्ट्रीज, चाहे ऑटोमोबाइल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट पूरा बंद रहा, लेबर अफेक्टेड रहे, परंतु चूंकि मानव समाज है, सम शब्द आता है समाज में, सम अंग्रेजी में कहें तो एडिशन होता है, तो मानव ने अपने ज्ञान को अर्जित करके और एक दूसरे का सहयोग करके पूरे समाज को बचाने का कार्य किया, उसके लिए इनोवेशन किया। तो ये इस 2020 वर्ष की सबसे बड़ी देन रही। हर सेगमेंट में इनोवेशन हुए हैं, हर सेगमेंट में इनोवेशन हुए हैं। हेल्थ में तो सबसे बड़ा था, परंतु और भी इंडस्ट्रीज ने देखा कि सर्वाइव करना है तो कैसे सर्वाइव किया जाए, वो इस वर्ष ने हमें सिखाया। 2020 बीत रहा है, भाई साहब ने बहुत अच्छे से हर एक बात का उसमें उसको टच किया, आत्मनिर्भर भारत के बारे में जो प्रधानमंत्री ने कहा, और किस तरह से मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट अभी तक हम लेके चल रहे थे, इस 2020 ने हमें सिखाया कि डोंट जस्ट मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। मेक इन इंडिया से हम मेक फॉर द वर्ल्ड की तरफ बढ़ गए इस 2020 में, और इसी ऊर्जा के साथ हम जब 2021 में कल अंग्रेजी नववर्ष में प्रवेश करें, तो मैं कहूंगा कि जैसे नव चैतन्य हिलोरे लेता, वैसे ही हम नव चैतन्य के साथ में 2021 में आगे आए। हर सेगमेंट, हेल्थ में नहीं, जो इनोवेशन, जो सीख हमने ली वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आए, ऑटोमोबाइल में आए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आए, एफएमसीजी है, फूड इंडस्ट्री है, एविएशन है, टूरिज्म है, करीब करीब सारे सेगमेंट जो अफेक्ट हुए वो इस इनोवेशन के साथ आगे बढ़े। कि इस ऐसी चुनौतियां तो आती रहेंगी, जैसा हर 100 वर्ष में आता है, दीपक जी ने बताया, तो जब आगे आए तो जो सेट रूल हम बनाए उसको ऐसा बनाए कि हम प्रकृति के साथ बैलेंस बना के भी चले, और जब समय अगर ऐसा चुनौतीपूर्ण आए तो उससे बाहर निकलने के लिए भी अपने लिए कोई रास्ता छोड़ के आगे बढ़े। ये 2021 में इस संदेश के साथ हम प्रवेश करें। पॉजिटिविटी, चूंकि FII के मूल में ही पॉजिटिविटी है, तो इसी पॉजिटिविटी के साथ में हम 2020 को विदा करें और 2021 में प्रवेश करें। मैं आदरणीय दीपक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने समय निकालकर और शॉर्ट नोटिस पे आज के कार्यक्रम में भाग लिया, और हम सबका ही नहीं, जो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, उन सबका आपने मार्गदर्शन किया। आप, आशा करता हूँ कि आपका स्नेह और मार्गदर्शन हमें 2021 में भी इसी रूप में मिलता रहे, और हम न सिर्फ जितनी कंट्रीज को हमने टच किया है उनके अलावा नई कंट्रीज में अपने हमारे चैप्टर्स खोल पाए, जो स्टेट्स में जो न्यूनताएं अगर हैं तो हम वहां पे कर पाए, नए क्षेत्र, कई वर्टिकल्स पिछले वर्ष में 2019 और 20 में हमने जो किए थे, इस वर्ष हम और नए वर्टिकल्स में एंटर करें और हमारे साथ में हमारे और भी भाइयों को जोड़ने का प्रयास करें। तभी शायद आपने जो बात कही कि भी हमारी आवाज में नवीन ऊर्जा आए 2021 में, तब शायद आ पाएगी। इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दीप जी, संजीव और द्रव्या जी, एक बहुत अच्छे शो का आपने संचालन किया, और मेरा अनुरोध है सभी
बंधुओं से जो ये देख रहे हैं वो फेसबुक यूट्यूब पे और ट्विटर पे एफआईआई को फॉलो करें, उनको लाइक करें और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए आगे बढ़ें। धन्यवाद। थैंक यू हिरेंद्र जी। सर आज मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा क्योंकि आप भी बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे साथ अवेलेबल हुए। आप क्योंकि रिसर्च में भी इन्वॉल्व हैं तो आपके लिए भी जो समय निकालना मैं समझ सकता हूं और उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं पूरे एफआईआई की तरफ से। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम? इस साल के अंत में जाते जाते ये हमारा आखिरी प्रोग्राम था। नए साल में हम आपके लिए नए सरप्राइजेज, नए बोनसेस के साथ हाजिर होंगे। कहीं जाइएगा मत, हर वीरवार शाम 4 बजे हम आपको यही मिलेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन आवर न्यू ईयर स्पेशल टॉक विद एन एक्सपर्ट। वी मेक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी इजी फॉर यू। वी ब्रिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री टू यू एवरी वीक एंड यू कैन लर्न द ट्रेड एंड डूज एंड डोंट्स राइट फ्रॉम योर होम। So subscribe to our channel on Facebook and YouTube and stay connected with us. Do catch us live next week on Thursday at 4 p.m. on YouTube and Facebook. Leave us comments about your questions, thoughts, feedback, and your New Year resolutions about our episode today. See you next week. Happy New Year, everyone.